हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आज की क्लास में जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम ध्यान देंगे और लिखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हम स्मॉलेस्ट नंबर जो है इसमें बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हम इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर जो है हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं। हियर फर्स्ट पार्ट, द पार्ट वन इज 243। हमें पता करना है तो हम सबसे पहले 243 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 243। अब यहाँ पर देखते हैं ये नंबर किससे डिविजिबल है। हम 3 से 8, 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो इस तरह से हमने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं हियर 3 × 3 × 3 और 3 × 3। तो हम देख रहे हैं कि 1 to 3 का ऑर्डर बढ़ गया है, लेकिन जो है एक हमारे पास जो नेक्स्ट है 3 का हमें मल्टी ऑर्डर एक की कमी है। 1 3 और होता तो एक और ऑर्डर हम बना लेते, ठीक है। और हमें जो है तो यहाँ पर हम लिखते कि यहां लिखेंगे इफ वी मल्टीप्लाई बाय 3 इन 243 इट विल बी परफेक्ट क्यूब। ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और क्यूब रूट इज इक्वल टू 1 3 हमारे पास 3 हो गया और एक और 3 हमारा 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 9। तो जब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट हमारा 3 का पेयर बन जाएगा। तो क्यूब रूट आपका जो है इसका होगा 9 और वो नंबर क्या होगा, वो नंबर हमारा 3। तो इस तरह से आसानी से हम इस काम को कर सकते हैं। चलिए इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में जो नंबर दिया गया है, नंबर है 256। तो नंबर इज 256। तो हम इस 256 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 256 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा 2, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर 2 से 8, फिर 2 हमारे पास जो है यहाँ पर 4, फिर 2 से 2 एंड अगेन 2 से 1। तो ये हमने पूरा इसका प्राइम फैक्टर कर दिया। अब प्राइम फैक्टर को हम यहाँ देखते हैं 2 कितनी बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है। तो हियर हमारे पास 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है। अब 3 3 के ऑर्डर में बनाते हैं, ये 1 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 हमारा कम है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा नंबर हुआ, इफ वी मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ लिखेंगे इफ वी मल्टीप्लाई बाय 2 इन 256 इट विल बी परफेक्ट क्यूब। ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और इसका क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास इसमें से एक 2 बना, यहां जब हम लिखेंगे यहां भी 2 बनेगा और यहां पर जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार और 2 आएगा। तो ये हमारे पास हो गया क्यूब रूट इसका जो है 8 हो जाएगा। तो 2 2 4 4 2 8 हम आसानी से बना सकते। ऐसे ही हमारे पास जो है एक नेक्स्ट नंबर है 72 का बताता हूं और 2 इसमें से क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर थर्ड नंबर है 72। यहां पर हम 72 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 72 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा, 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा, 2 से 9, यहाँ पर 3 3 जा, फिर 3 से 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है 72, 2 into 2 into 2 into 3 into 3,
ये हमारा पेयर बन गया, लेकिन जो है थ्री हमारा दो ही बार है, एक बार थ्री की आवश्यकता और है। तो हम लिखेंगे इफ वी मल्टीप्लाई बाय थ्री इन 72 इट विल बी परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा और यहां पर हमारे पास ये जो है क्यूब रूट इज इक्वल टू, यहां एक टू बना एक हमारे पास थ्री बना, दैट इज इक्वल टू सिक्स हमारे पास आंसर है। और इसके जो दो पोर्शन है दो वर्क है वो आपको मैं होमवर्क के रूप में मैं यहां पर दे रहा हूं। तो दो है हमारे पास जो है वर्क कितना है 675, फोर्थ वाला 4675 एंड फिफ्थ नंबर है 100। तो ये आपके क्या हो जाएंगे होमवर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इन क्वेश्चंस को आप जो है आप खुद से ट्राई करेंगे कि देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर टू आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर टू में किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन नंबर टू में, रेज योर हैंड। नहीं, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो हम इसमें जो है किस नंबर से डिवाइड करें कि ये जो है हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। सेम वही प्रोसेस है, स्क्वायर वाला स्क्वायर रूट वाला ही। यहां शुरू करते हैं, द फर्स्ट नंबर इज 81, तो 81 है, हम इसको 81 का फिफ्थ प्राइम फैक्टर देखते हैं। Year 81, ये हमारा 3 से 3 2 जा 6 7, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से यहाँ पर 3, फिर 3 से year 1, that is equal to 3 into 3 into 3 into 3, यहाँ हमने जो है इस तरह से ऑर्डर बनाया। तो यहाँ पर इसे परफेक्ट क्यूब होने में यहाँ पर एक 3 ज्यादा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे if we divide by 3, it will be perfect cube. तो ये हमारा perfect cube है और हमें जो है perfect cube है, मतलब तो cube root भी find करना है, perfect cube. तो divide to obtain a perfect cube. तो हमें जो है इसमें जो है आप देखिए perfect cube कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा the perfect cube is perfect क्यूब रूट इज इक्वल टू केवल आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब हमारा जो है ए ही हमारे पास नंबर होता है 27। तो 27 हमारा परफेक्ट क्यूब है, क्यूब रूट हमारे पास इज ये हमारे पास क्यूब रूट क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा है डिवाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब, हमें स्मॉलेस्ट नंबर लगाना था, तो नंबर हमारा 3 है, क्यूब रूट हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और क्यूब हमारे पास जो है 27। तो आसानी से हम इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और इसमें जो है एक हम 128, द सेकंड पार्ट इज 128 को हम यहां पर चेक करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। हियर इन आवर 128 डिवाइडेड इट इज डिविजिबल बाय 2, दिस इज द 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2, 3 जा 2, 2 1 जा 6, 2 8, 2 यहां पर 4, 2 से 2, हियर 2 1। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर हम 128 को कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो हम पेयर बनाएंगे ऑर्डर 3 3 का, एक हमारे पास जो है नंबर बच गया है, इसका नंबर क्या है 2 है। यहां लिखेंगे इफ वी डिवाइड, यहां हमारे पास ये भैया ध्रुव चौधरी बेटा आप खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जब सामने है तो आपकी एक्टिविटीज पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए। सर मैं क्या परेशान कर रही है मुझे। ओके चलिए, तो यहां हमारे पास जो है इफ वी डिवाइड by 2, it will be
परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट हो जाएगा और ये हमारे पास क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2 हमारे पास जो है 4 हो गया और यहाँ पर 4 का क्यूब इक्वल टू ये हमारे पास जो है 64 ठीक है। तो ये हमारे पास जो है उसका क्यूब है। एक और बताता हूँ और इसमें से 2 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए होमवर्क दे दूंगा मैं ताकि जो है आप इजी वे में इसकी प्रैक्टिस कर सके। तो एक नंबर है और हमारे पास ये है थर्ड, हमने 3 पार्ट बताए हैं, 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क दिया। तो ये हमारे पास हो गया 135। ये नंबर हमारा किससे कटेगा? तो ये पहले हम इसको 3 से काटते हैं, 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर 3 से 5 5 5 से 1। तो हम यहाँ पे 3 काम देखते हैं कि द वैल्यू इज 3 × 3 × 3 × 5, 3 का पेयर बन रहा है। 5 हमारे पास 5 जो है एक्स्ट्रा है, 5 को अगर मैं हटा दूंगा तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे कि इफ वी डिवाइड बाय 5 इट विल बी परफेक्ट क्यूब, ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। क्यूब रूट इज इक्वल टू हमारे पास 3, तो हमारे पास 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। तो ये हमारे पास 27 है और आपका जो है इसके जो है फोर्थ और फिफ्थ है, द फोर्थ वन इज 192 एंड फिफ्थ वन इज 704। ये आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क। तो हमने जो है जैसे मैंने बताया है आप इसी के बेस पर ये जो है दो क्वेश्चन यहाँ दिए, 2 क्वेश्चन इसमें दिए हैं ताकि आप जो है इसे खुद से भी करके देखें कि ये जो है वैल्यू आपकी हो रही है अथवा नहीं हो रही। तो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको भी पहले हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अ नेम है परीक्षित, परीक्षित इज अ नेम, परीक्षित एक बच्चा है और वो भी कल की तरह जैसे कल आप लोगों ने एक्टिविटी की थी वैसे ही परीक्षित भी जो है कुछ एक्टिविटी कर रहा ठीक है। तो अगर परीक्षित ना मेक अ क्यूबाइड, क्यूबाइड ऑफ अ प्लास्टिसिन, प्लास्टिसिन जो है एक प्रकार का जो है मटेरियल होता है जिससे जो है वो बना सकते हैं। तो वह क्या कर रहा है कि परीक्षित जो है क्यूबाइड बना, क्यूबाइड में लिखा है उसकी साइज जो है 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी सच क्यूबाइड विल नीड टू फॉर्म अ क्यूब? तो पहले तो हमें आपको दिखा दें कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो है दिस क्वेश्चन नंबर इज 4 नंबर। तो जैसे कल मैंने आपको जो है क्यूब बनाना सिखाया था वैसे पेपर पे कैसे बनाते हैं क्यूबाइड उसको देखिए। क्यूबाइड जो है हमेशा रेक्टेंगल से मिलके बनता है। तो पहले हम एक फिगर बनाते हैं और आप इसको देखिए। तो ये हमारे पास जो है फिगर क्या है, एक रेक्टेंगल पहले आप बनाइएगा ऐसे, दिस इज अ रेक्टेंगल, ये क्या है रेक्टेंगल ठीक है। एक और रेक्टेंगल बिल्कुल इसके पास में ऐसे बना दीजिए, 2 रेक्टेंगल बिल्कुल पास पास एक मेजरमेंट के 2 रेक्टेंगल हमने जो है बना दिए। अब जितने भी इसके एज है उन सभी एज को आपस में ज्वाइन कर दिए। तो जैसे मान लीजिए यहां से मैंने इस एज को इससे ज्वाइन किया, 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 तो हमारा जो है ये क्या बन गया, क्यूबाइड बन करके तैयार हो। क्यूबाइड की मेजरमेंट जो बोला गया है 5 × 5, यहां बोला गया है लेंथ कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, ये जो है विड्थ कितनी है इसकी, तो विड्थ आपकी जो है 2 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है लेंथ यहां से आकर दी गई है, ये जो मेजरमेंट है ये इसकी चौड़ाई है और यहां से ये जो दिया गया है ये इसकी क्या है हाइट। तो ये मेजरमेंट दिया गया ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका तरीका है कि हमें जो है इसे कैसे फाइंड करना है। पहले हम जानते हैं कि यहां पर क्या दिया है L, L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स हम जो है यहाँ पर हम लिखते हैं वॉल्यूम, यानी कि एक जो क्यूबाइड है उस क्यूबाइड में कुल कितना प्लास्टिसिन जो लगा हुआ है पूरा बना हुआ है वो है मटेरियल इसमें, तो हम उसके लिए इसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच।
तो L into B into H का मतलब हो गया कि यहाँ पर हमें इसको B is equal to 5 into 2 into 5. अब आप देख रहे हैं कि हमें ये प्राइम फैक्टर ही समझ लीजिए. अब आपको ये सोचना है कि इसे जो है बनाने के लिए हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो व्हाट विल बी मल्टीप्लाइड इन दिस वॉल्यूम, इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब. ये जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो अभी आप देखिएगा ध्यान से, इसको रीअरेंज करते हैं. हियर यहां पर हमारे पास 5 into 5 into 2. अब यहां पर ये जो है 5 कितनी बार है, ये 2 टाइम, और ये 2 कितनी बार है, ये हमारा 1 टाइम. अगर हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 टाइम है, यानी सभी नंबर्स कितनी बार होने चाहिए, 3 बार होने चाहिएगा. तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक जो है एक नंबर का मल्टी, एक हमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे नंबर एक, ठीक है. और यहाँ सिंगल टाइम 2 है, यहाँ पर सिंगल टाइम 2 है, इसका मतलब 2 बार 2 की आवश्यकता होगी. तो यहाँ हम जो है 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो है ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए. यहाँ समझिएगा बच्चों कि यहाँ पर 5 2 बार था तो 1 5 की आवश्यकता है, यहाँ 2 1 बार है तो हमें 2 बार 2 की आवश्यकता है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये तो हमारे पास है, ये चीज जो है हमारे पास क्या है, और ये हमें क्या चाहिए, हमें नीड है इसकी, ये हमारा क्या है, नीड है, ये हमारी जरूरत है. तो हम इसमें क्या करेंगे, सो इफ वी मल्टीप्लाई इन वॉल्यूम वी दैट इज इक्वल टू 2 into 2 into 5, तो 2 into 2 into 5 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 4 2 2 4 4 5 20. तो यहां पर लिखेंगे इट विल बी परफेक्ट क्यूब, ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. तो यहां लिखेंगे तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास 20 ऐसे ही क्यूबाइड चाहिए. अगर 20 क्यूबाइड अगर वो ले आता है तो 20 क्यूबाइड मिला देंगे तो ये हमारा जो है जो क्यूबाइड बना है वो एक परफेक्ट क्यूब का शेप बन जाएगा. तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 20. तो ऐसे ऐसे 20 क्यूबाइड चाहिए ताकि जो है ये हमारा जो है क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर 20 क्यूबाइड की संख्या हमने बना दी, और ऐसे 20 क्यूबाइड हमें जो चाहिए था उसको मैंने जो है आपके सामने बताया. फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, उसमें बच्चे ध्यान से सुनेंगे. एक बच्चा है परीक्षित, परीक्षित बच्चा है, वह है उसके पास एक क्यूबाइड है. क्यूबाइड का मेजरमेंट कितना है, लेंथ उसकी 5 है, विड्थ इसकी जो है विड्थ आपका 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है. उन सभी का लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है उसका वॉल्यूम फाइंड हो जाता है. अब वॉल्यूम मिल गया, अब इस वॉल्यूम के जो ये सभी हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर है. इन सबको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें नंबर्स की जरूरत होगी. हम देखते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब में सभी नंबर 3-3 बार होने चाहिए, 3 टाइम होने चाहिए. तो यहाँ पर 2 टाइम 5 है, 1 टाइम हमें 5 की जरूरत है. यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ पर 2 1 टाइम है, इसका मतलब 2 टाइम 2 चाहिए, तो 2 टाइम हमने लिखा. तो इन तीनों नंबर्स का जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या मिल रहा है, हमें 20 मिल रहा है. तो 20 अगर हमारे पास ऐसे ऐसे क्यूबाइड हो गए तो हम उसको एक क्यूब के शेप में अरेंज करके उसको रख सकते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन का सेंस सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है. एक बार मैं 1-2 मिनट के लिए पहले सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, और उसके बाद कोई क्वेरी है तो फिर उसके बाद फिर उसको सुनता हूँ. कोई कुछ बोलना चाहता है बेटा बोल सकता है, मैंने सबको अनम्यूट कर लिया. सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से बस ये समझ में आया एक बार फिर से बता दे, ठीक है बेटा. जैसे क्या है कि इसमें हम छोटे छोटे जो क्यूब आइड है, अभी मैं आपको जैसे अरेंज करना हमें आपको सिखाते हैं. अभी एक हमारे पास जो है चेक करने में ना कुछ मेरे पास होगा तो मैं उससे आपको जो है बताने का प्रयास करता हूँ. और तो ये हमारे पास जैसे कि फिलहाल तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ये हम एक फिगर के माध्यम से आपको हम समझाते हैं.
जैसे यहाँ पर ये पहले हमने ये से 20 होंगे ना, तो 20 बनाने के लिए हमें जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर बॉक्स है, ऐसे ही हम जो है इस तरीके से हमने जो है ऐसे बॉक्स बनाए, फिर इसके बाद फिर जो है ऐसे हमने जो है और अरेंज किया, और ये हमारे पास जो है फिर अरेंज किया ऐसे। तो इस तरीके से हमें जो है इसको अरेंज तब तक करना है जब तक कि जो है इसको सजा करके ये हमारा पूरा शेप जो है फिर से हमारा क्यूब का शेप न ले। क्यूब का मतलब होता है कि इसकी देखिए इस वाले में न लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम नहीं है, क्यूब में तीनों वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो क्यूब में तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगर तीनों सेम होंगे तो हमारे पास जो है ये नंबर कितना हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। 5 ये जो है हमारे पास 1 5 2 10, तो 10 10 हमारे पास जो है उसकी मेजरमेंट होगी। तो हमारे पास जो है 10 10 हमारे पास रो में भी होंगे, 10 हमारे कॉलम में भी होंगे, और उसके बाद हाइट में भी 10 होंगे। तो ये परफेक्ट क्यूब हमारा बन करके तैयार हो जाए, ठीक है। अभी जो है हमारे पास जो 5 5 दिए गए ना, तो जिसे हमारे पास है तो ये 5 का क्यूब है, तो 5 हमारे पास 1 1 यानी हम 6 6 यहाँ कर लेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास ये 2 है, तो ये हमारे पास जो है, तो इनके नंबर की संख्या को बढ़ाएंगे। हम इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है, यानी सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड इन दिस इट बिकम अ परफेक्ट क्यूब, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड इन दिस वॉल्यूम इट बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें देख रहे हैं कि 5 दो बार है, एक बार 5 की जरूरत है, और 2 हमारा सिंगल टाइम है, तो हमें 2 टाइम जो है यहाँ पर 2 की जरूरत है, तभी हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी 5 भी 3 टाइम हो जाएगा, 2 भी हमारा जो है 3 टाइम हो जाएगा। तो हमारा 5 का क्या हो गया, 10, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो 1000 हमारे पास जो है तो आपका परफेक्ट नंबर है, जिसमें लेंथ आपकी 10 होगी, विड्थ आपकी जो है 10 होगी, हाइट खुशबू खुशबू बड़ी अच्छी, ठीक है। तो अभी मैं आपको सभी को फिर म्यूट कर रहा हूँ, कुछ और मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, अभी सभी आप लोग ध्यान से देखें। अब हम बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो है बात करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि अभी आप ध्यान से देखें बच्चों कि अब हम बात, क्योंकि क्यूब तो हमने समझ लिया, अब हमें देखना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूं, उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको समझाता हूं, फिर इसके बाद फिर मैं, क्योंकि ऑफिशियल एक बार जो है आपको बताना भी जरूरी है, हालांकि मैंने डिवीजन के नाम पर इसे एक बार बता दिया था, फिर भी मैं जो है इसे दोबारा बता दूंगा वीडियो में देखे। तो लिसन हियर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट, हियर द टॉपिक इज क्यूब। अब हमारे पास जो है रूट्स, ये क्यूब रूट्स क्या होते हैं, तो मैं अभी आपको पहले जो है यहां से कुछ नंबर लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, और इन सभी को मैं जो है यहां पर क्यूब बनाता हूं, सभी का क्यूब लिखता हूं, ठीक है, सभी का क्यूब हियर दैट इज इक्वल टू, तो 1 का क्यूब हमारे पास हम सभी जानते हैं 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब जो है 8 होता है, 3 का क्यूब 27, ध्यान सुनना बच्चों, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, और 6 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 216, 7 का क्यूब आपके पास हो जाता है 343, सभी आपको नोट करने हैं, और 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब हमारे पास होता है 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो अब हमें जो है ये क्यूब रूट जो है इसका सिंबल ऐसा होता है, ये 3 लिखते हैं
और ये हमारे पास इसे बोलते हैं क्यूब रूट, यहाँ बीच में थ्री लिखा जाता है, थ्री का मतलब कि जब पेयर बनाएंगे तीन तीन का, तो यदि हम इसको यहाँ देखते हैं क्यूब रूट यहाँ पे वन लिखूं, या हमने जो यहाँ पर क्यूब रूट यहाँ एट लिखे, या हम जो है क्यूब रूट यहाँ 27 लिखे, फिर या हम जो है क्यूब रूट यहाँ पर 64 लिखे, क्यूब रूट 125, यहाँ पर क्यूब रूट 216, ये हमारा क्यूब रूट 343, क्यूब रूट 512, क्यूब रूट ये हमारे पास 729, और क्यूब रूट हो गया आपके पास जो है यहाँ पर 1000। तो क्यूब रूट में जिसका ये क्यूब होता है उसको रूट बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये सभी हमारे क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये हमारे पास जो है हम इसको आसानी से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी जो है इसके क्या कहलाएंगे, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट पढ़ा जाता है, 3 होता है, वैसे 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, इन सभी के क्यूब रूट्स को हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये जो है पहला हमारा जो है सबसे पहला जो इसमें जो है पॉइंट दिया गया है जो आपको समझाना है वो मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम जो है एक दूसरा हमारे पास जो है जो पॉइंट है वो क्यूब रूट फाइंड करने का मेथड होता है, दो मेथड है, दो दो तीन तीन सभी को पहले बता देता हूँ एक एक करके, फिर हम इस पर क्वेरीज को देखेंगे। तो पहला हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूब रूट, क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्यूब रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी इसको सिखा रखा है मैंने, लेकिन जो है अपनी कॉपी में पॉइंट के अनुसार आप इसे जरूर लिखेंगे। एक नंबर में यहां पर लिख रहा हूं आपकी बुक में लिखा गया है 3375, द नंबर इज 3375, इसका हम प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो ये नंबर जो है इज डिविजिबल बाय 3, 3 से सम इसका 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है फिर से 3 से 3, 3 जा 9 और 7 5, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब यहां पर हमारे पास 3 हो गया, अब ये नंबर हम 5 से 5 2 जा 10, 5 5 से 5 और 5 से 1। तो जब हमारे पास नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट, ऐसे लिखा जाएगा 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 5, तो ये हमारे पास पेयर बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 3 × 5, इट इज इक्वल टू 15। तो क्यूब रूट इसका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये है दूसरा मेथड, एक तो डायरेक्ट हमें पता हो या प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, इसे मैं आपको यहाँ पर बताया। अब इसके बाद जो है एक नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड होता है उसको भी मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, वो मेथड है एस्टीमेट मेथड। एस्टीमेट मेथड कैसे आपको बनाना है मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा देखिए। एस्टीमेट मेथड में हमें जो है अभी इनके जो नंबर्स दिए गए हैं इन सभी नंबर्स को हमें एस्टीमेट करना, जैसे अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास अगला मेथड, तो हम इसको थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास जो है लिखा गया है कि गेस करना, गेस करके हमें एस्टीमेट मेथड से हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम जैसे यही नंबर उठाते हैं, ये 3375 नंबर है, 3375 ध्यान से देखना बच्चों। अब यहाँ पर हम राइट साइड से, जो राइट साइड होता है राइट साइड से हम तीन तीन का ऑर्डर बनाते हैं, तो यानी कि हमारे पास जो है ये 3 बन गया और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बन गया। इससे मालूम चलता है कि इसके क्यूब रूट में डिजिट की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि हमारे लिखेंगे डिजिट इन क्यूब रूट इज इक्वल टू 2, यानी कि इसके जो डिजिट होंगे इसके इन दोनों के क्यूब रूट में डिजिट हमारे पास क्या होंगे, हमेशा जो है हमारे पास क्या होगा, 2 डिजिट होंगे। 3 के लिए 1 डिजिट मिलता है और जो बचा होगा उसके लिए भी 1 डिजिट मिलेगा।
अब हम यहां पर देखते हैं कि इस नंबर को ध्यान से देखना बच्चों, इस नंबर जो पहला जो थ्री डिजिट है 375 का यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस 5 है। तो 5 किसके क्यूब में आता है, यहां से आप चेक कर लीजिए, 5 किसी के क्यूब में आता है तो 5 क्यूब में आता है केवल 5। ये एस्टीमेट मेथड तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास में पता हो कि ये परफेक्ट क्यूब है, तब हम उसका क्यूब रूट आसानी से फाइंड करते हैं। तो 5 के क्यूब में ये मिलता है तो हमारे पास जो है ये हो गया 5। अब यहां पर 3 जो है किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो यहां पर देखिए इस 3 को हम देखते हैं बच्चों, ये जो है हमारे पास 3 जो है पहला जो है 1 का क्यूब से ये बड़ा होगा और 2 का क्यूब से ये छोटा होगा, ठीक है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, 3 और ये हो गया 8। जो हमारा ये सिंगल डिजिट है ये जो है किससे ज्यादा है, अधिक नहीं ले सकते, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब कि हमारे पास जो दूसरा डिजिट है ये स्टार्टिंग वाला डिजिट ही हम यहां पर ले जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां लिखेंगे क्यूब रूट इज इक्वल टू 15 आपका आंसर, यानी कि लास्ट डिजिट का 5, इसका डिजिट का 1। तो इस तरह से इस मेथड से हम जो है एस्टीमेट करके हम जो है इसके क्यूब रूट को फाइंड कर सकते हैं। और भी मैं बड़े डिजिट का नंबर लेकर के आपको मैं समझाना चाहता हूं। अब आप देखिए एक और लेते हैं एग्जांपल के तौर पे एस्टीमेट मेथड को, मैं आपको बड़ा नंबर लेता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन बता करके और फिर मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। हियर द नेक्स्ट नंबर इज 32768। इस नंबर का हमें जो है क्यूब रूट निकालना है, वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट, इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे 32768, 3 का हमने पेयर बनाया, इसमें भी डिजिट कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट is equal to 2, एक डिजिट इसका मिलेगा, एक डिजिट इसका मिलेगा। अब यहां पर देखिए बच्चों 8 किसके क्यूब में आता है, ध्यान से देखना, यहां से आप देख रहे हैं किसके क्यूब में 8 आता है, यहां से क्यूब जो है 2 के क्यूब में आता है, तो वो नंबर हमारा क्या हो गया 2, और यहां पर ये है हमारे पास 32 किसके क्यूब में, 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में बनेगा, 3 का क्यूब और यहाँ पर 4 के क्यूब के बीच में, 3 का क्यूब होता है 27 32 और 4 का क्यूब 64। तो यहाँ पर हम इसको जो लिखते हैं सो नंबर हमारा हो जाएगा 3, नंबर इज हियर द 32 क्यूब रूट इज इक्वल टू 32 आपका। तो ये आसानी से इस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, ये दिस इज कॉल्ड एस्टीमेट मेथड, एस्टीमेट मेथड से हम आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूं ताकि वे जो है अपनी क्वेरी पूछ सकें। यस बेटा, जिसको कोई क्वेरी हो, किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो वो पूछ सकता है मुझसे। सुप्रज्ञ सॉरी हाँ यस बोलो बेटा। यस फर्स्ट अनम्यूट योरसेल्फ सर, ये सर क्यूब रूट वाला से एक बार फिर से बता दिए ना। क्यूब रूट एस्टीमेट मेथड है बेटा, इसे अभी मैं एक्सरसाइज में भी इसी मेथड को दोबारा से मैं कराऊंगा। पहले इसमें 3 का पेयर बनाते हैं राइट साइड से, तो जितने पेयर बनते हैं 3